highlight the role of Shisht Bharat campaign in inculcating values among the Indians. हाँ जी बताओ जी, क्या शिष्ट भारत कैंपेन क्या कहता है? एनीवन? सोनम क्या लिखा है? हु इज इट? पीछे इशू कितना है? एनीवन हु हैज डन? क्या हो गया इतना मुश्किल थोड़ा ना? शिष्ट भारत कैंपेन है क्या? ये तो रिसेंटली न्यूज में है काफी ज्यादा. Basically, to set up a code to help the younger generation to know how to behave, develop ethics and develop values, and they should respect the other persons. Elder generations would be developing and helping and inculcating the values among the children. अरे प्री के लिए पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा था? चलो कोई बात नहीं, ठीक है. नाउ व्हाट रोल ऑफ शिष्ट भारत कैंपेन इन इनकल्केटिंग वैल्यूज अमंग द अदर. द फर्स्ट थिंग इज अवर स्क्रिप्चर्स. देखो, जब आप लोगों के शायद बचपन में आता होगा, एक सुबह सुबह एक सीरियल आता था संडे को, रामायण और महाभारत, देखा है? संडे संडे को. मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरे को कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता था ऐसी चीजों में. सुबह सुबह आता था, आज आता है? इट्स नॉट कमिंग. है MTV चलता है, चल रहा है ऐसे. आई कैन, हाँ बिल्कुल. आप सुबह उठ के क्या देख रहे हो? सुबह सुबह यो हनी सिंह. वो सुबह उठ के क्या देखते थे पहले वाली जनरेशन? महाभारत, रामायण, ये वो. और एक सुबह सुबह फादर साहब बताते कि एक सीरियल आता था जो गाने वाने आते थे रंगोली टाइप, 9 बजे सुबह, तो मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए. इज दिस बीइंग डन टुडे? इट इज नॉट बीइंग डन. सो इट इज द वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट द अदर्स, लिव टूगेदर, इनकल्केट द वैल्यूज विच वी हैव लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम. वी हैव टू गिव दीज वैल्यूज टू द कमिंग जनरेशंस. And these values become all the more important because of the religious scriptures. So, हर धर्म में कुछ ना कुछ आपको अच्छा सिखाता है. We use the follower of the Hinduism, Sikhism, Islam, Christianity, Parsi, जो भी आप धर्म से मानते हो, कुछ ना कुछ अच्छा तो सिखाता ही है. एंड इसके लिए शिष्ट भारत की आज की क्यों ज्यादा जरूरत पड़ रही है? Because the younger generation is getting more exposed to different areas of the world. अगर आज से 20 साल पहले की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मशहूर कार होती थी मारुति 800. आज यू रेयरली सी या मारुति 800, और कहीं अच्छी जगह पे तो मिलेडी गायब भी हो गई है. या स्कूटर होता था वेस्पा या कुछ और, चेतक स्कूटर होता था, वो आप गायब भी हो चुके हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एज द वर्ल्ड इज बिकमिंग, एज द यंगर जनरेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपोज्ड एंड दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड ऑल्सो. Your younger parents will not be at this point of time was not equally informed to take a decision. आप आज गूगल करते हो, ये करते हो, वो करते हो, number of things you do. Not only exposed to various parts of the world, but also better informed. To keep these people attached to the roots so that they could continue to believe in the scriptures, the values, the ethics that the country has imbibed with the passage of time, the Shisht Bharat campaign becomes all the more important. शिष्ट भारत कैंपेन विल गिव यू एडवाइस कि अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, दैट अगर अच्छा काम सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है, यू शुड ऑल्सो बिकम अ पार्ट एंड पार्सल. देयरफॉर बिकम्स शिष्ट भारत कैंपेन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान ऑल्सो. इन द कंट्री फॉर एग्जाम्पल, the attitude of the person becomes very much important. And this becomes all the more important when we are a country of diversity. Aaj se 10 saal pehle ki baat kar lo, how many of you have heard ki communal incident country mein hui hai?
कि गाय की वजह से ये पंगा होने लगा है, अभी रिसेंटली होने लगे पिछले 5-6 सालों में, इससे पहले तो गऊ के नाम पे तो इतना कुछ होता नहीं था। गाऊ इज रिलीज, इट इज फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस फॉर वन रिलीजन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वन रिलीजन बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अदर रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल गाऊ मे बी होली टू द हिंदूज बट नॉट टू मुस्लिम्स, नॉट टू सिख्स, नॉट टू क्रिश्चियन अदर्स। एक सुअर है दैट इज फॉर एग्जाम्पल हराम है मुस्लिम्स को इस्लाम में, बट दैट मे नॉट बी हराम इन अदर रिलीजन्स। हाउ दैट पीपल हैज टू लिव टूगेदर रिस्पेक्टिंग द वैल्यूज की, जब दूसरा बंदा आ रहा है तो हम कम से कम जब पड़ोसी में रह रहा है तो वो गाऊ हत्या कुछ और करके ना खाए, और ताकि दूसरों के एटीट्यूड एक पॉजिटिव एटीट्यूड सोसाइटी में, एंड हाउ टू टेक अ डिसीजन ऑन दैट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, हाउ वी हैव टू लिव कलेक्टिवली लिव टूगेदर बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। ये कब जरूरत है, वे यंगर जनरेशन आर गेटिंग बेटर एक्सपोज, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। Why were the Britishers able to rule us for so long? White man's burden. कहते थे हम, we are the superior people, हम गोरे हैं, हम superior हैं, आपको कुछ नहीं पता, we are there to civilize you people. यही बोलते थे। To have a self-confidence on their culture, on your tradition, on your religion, on your ethics, on your values, it becomes all the more important. The elder generation give these values to the others also. And जितने भी opportunities मिल रही हैं, for example, अगर एक अ पर्सन फ्रॉम इंडिया वो जाएंगे कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू यूएस, वो जैसे यूएस वाले कपड़े डालते हैं वैसे डालने लग जाएंगे, बट ऑलवेज नोट अ पर्सन फ्रॉम भूटान विल नेवर चेंज हिज ड्रेस, दे आर दैट डीपली रूटेड इन दिस कल्चर। हम जब जैसे वहां पे, चलो ठीक है जैसे देश वैसा भेष अलग बात है, लेकिन आपको कल्चर को कभी नहीं छोड़ते। सी द पीपल फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ईरान, people from other parts, they will never lose their roots and they are very deeply rooted. The same thing, Shisht Bharat campaign at this point of a time becomes all the more important. Ki younger generation pe, jab humare upar stress and strain badh raha hai exposure ki wajah se, at any point of a time we should not be feeling ki humari civilization itni strong nahi hai, humara culture itna strong nahi hai. It becomes all the more important to have a confidence on yourself at the time when India is thinking of leading the developing countries and emerging on the stage of a developed country. यहां पे शिष्ट भारत कैंपेन आपको बहुत ज्यादा जरूर करेगी। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट।